हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। आज जो है अपन मोलर चालकता है उससे रिलेटेड आज के अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए मोलर चालकता क्या होती है, एक तो ये चीज़ प्लस अपने विशिष्ट चालकता देखी है, इसके अलावा आपने जो है तुल्यांक की चालकता की बात की है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में अपन जो तीन आपके दो टॉपिक बात की, आज अपन इसका तीसरा टॉपिक जो कर रहे हैं इसमें ये भी जो है मोलर चालकता ये क्या है, सामान्यतः जो तुल्यांक की चालकता है उससे रिलेटेड है। रिलेटेड होने का मतलब मीन ये है कि यहाँ पर अपन बात करें कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो तुल्यांक की जो चालकता है उसके स्थान पर जो मोलर चालकता है उसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इसका अधिक सफलता से क्या किया है, इसका जो उपयोग है वो करते हैं, जिसे अपन है निम्न परिभाषा के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि किसी दिए गए विलयन की चालकता जिसमें आपका एक पदार्थ जो मोल है वो क्या किया गया, घोला गया हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी जो मोलर चालकता है वो कहलाती है, पदार्थ की मोलर चालकता उसे कहते हैं। कि अपन ने अभी क्या कहा कि आपका कोई दिए गए पदार्थ का आपके क्या पास है, आपके पास विलयन है। अब यहां पर उस विलयन की चालकता की बात करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि दिए गए पदार्थ की विलयन की चालकता है उसमें आपका क्या किया गया है, आपका जो पदार्थ है वो क्या किया है, एक मोल घोला हुआ है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो आपकी किसी विलयन के अंदर जिसकी चालकता दी गई है उसमें अपन एक पदार्थ मोल है वो घोला गया है। तो किसको बोला गया है, एक मोल को, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मोलर चालकता। यहाँ पर अपन मोलर चालकता को इस तरह से समझ सकते हैं कि दिए गए विलयन की जो चालकता है उसमें अपन ने कोई एक मोल पदार्थ बोला और वो जो एक पदार्थ मोल बोलता है वह जो चालकता प्रदर्शित करता है वो उसकी मोलर चालकता है वो कहलाता है। अब देखिए बात करें कि जो मोलर चालकता है इसको दो आपके जो प्रतीक है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक तो इसे म्यू के साइन के द्वारा लिखते हैं। एक आपने अपनी बात की कि अभी तुल्यांक की चालकता से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो तुल्यांक की चालकता के लिए अपन ने जो जो है लैम्डा का जो मात्रा देखा था उसी से रिलेटेड इसको लैम्डा एम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या तो म्यू लिखते हैं या फिर लैम्डा एम है, इसके द्वारा क्या किया जाता है इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए इसे बात करते हैं कि इसे ज्ञात करने के लिए अपन बात करें तो ज्ञात करने के लिए इसमें आपको जो है आपको क्या चाहिए होगी, दो चीजें चाहिए होगी इसके अंदर, कि जैसे अपन ने बात करी कि आपकी विशिष्ट चालकता, अब यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता है उसमें अपन ने जो है आपका किस तरह का विलयन लिया है, आपका ये विलयन लिया है कि जिसकी जो है आपकी सेंटीमीटर क्यूब है उसकी सांद्रता है, तो यहाँ पर उसका अपन कहें कि आयतन है, यानी उस विलयन के लिए बात करें तो उसका जो आयतन है ठीक है और वो क्या होगा उससे गुणा किया जाएगा, कि जो विशिष्ट चालकता है उसको क्या किया जाएगा, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन होगा उससे क्या किया जाएगा, इसको गुणा किया जाएगा। यानी अपन आयतन गुणा कह दें या फिर विशिष्ट चालकता, इन दोनों का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर चालकता कहलाएगा। और इन दोनों के लिए बात कही कि भाई प्लस इसमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, आपका एक मोल पदार्थ आपने क्या किया इसमें बोला है,
ठीक है कि भाई अपन इसमें दो चीजें बताई रहे हैं कि दो चीजें, एक तो विशिष्ट चालकता है उसमें सेंटीमीटर आपके सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है उससे गुणा किया जाता है, प्लस उसमें जी अपन बात करें जिसमें आपका एक पदार्थ मोल है वो क्या किया गया है घोला गया है वो आपकी मोलर चालकता है उसको ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मोलर चालकता की बात करें, ये जो मोलर चालकता है इसे लैम्डा एन इक्वल टू अपन क्या लिख सकते, देखिए अपने तुल्यांक की चालकता के लिए बात की थी तो सेम टू सेम मात्रक है वो लगभग इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो कप्पा इंटू लैम्डा सॉरी वी एम मतलब आयतन लिया है, और या फिर अपन कप्पा अपॉन सी इसे ले सकते हैं, ये आपके होंगे समीकरण नंबर एक की भी अपन ये जो आपकी मोलर चालकता है उसकी वैल्यू को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि अपन की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से इसमें आपके प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका जो सी प्राप्त हुआ है ये वाला, ये सी यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका जो विलयन है, देखिए अपन ने कल बात की थी सॉरी प्रीवियस वीडियो में बात की थी तब तो अपन ने कहा था ये क्या है आपके तुल्यांक की चालकता, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी कि विलयन की मोलर सांद्रता है, ये क्या है आपकी विलयन की मोलर सांद्रता है जो आपको किस रूप में प्राप्त होगी, तो यहां पर मोल मीटर, अब देखिए मीटर यहां पर किस रूप में प्राप्त होगा, तो यहां पर क्यूब के रूप में होगा, ये भी आयतन के लिए बात की इसके लिए, तो यहां पर ये जो सी है वो विलयन की मोलर सांद्रता है जो मोल आपके मीटर क्यूब के अंदर क्या होती है आपकी व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए और चीज बात करें कि भाई इसके लिए अपन जो मोलर चालकता है इसके लिए और चीजों की बात करें, जैसे यहाँ पर अपन सबसे पहले इसके लिए बात करें कि इसका ऐसा ही मात्रक ज्ञात करें, ऐसा ही मात्रक किसके लिए ज्ञात करें कि भाई अपन ने के लिए किया है कि इसके पहले मोलर चालकता है वो देखेंगे, तो यहां पर अपन ने इसके लिए के लिए मात्रक देखना है, तो यहां पर के लिए अपन ने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें जो के की इकाई है वो सीमेन मीटर इनवर्स था, क्या था सीमेन मीटर इनवर्स था, और इस रूप में क्या किया अपन ने इसको प्रदर्शित किया, अतः किसी विलयन की मोलर चालकता की बात करें तो यहां पर अपन बात करें कि अब अपने किसी विलयन की मोलर चालकता अब ये जो चालकता है अपन देखेंगे इसके लिए मात्रक, तो अपन इसको मोलर चालकता ले रहे हैं, तो मोलर चालकता का है सीमेन स्क्वायर आपका मोल इनवर्स है, ये इसके लिए आपका क्या प्राप्त होता है इसके लिए आपका चालकता का जो इकाई है या चालकता का जो मात्रक है वो इसमें प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें इसको लिखा किससे गया है, तो यहाँ पर अपन बात करें इसको अपन लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करें, अब अपन ने के वाला मात्रक देखो वहां पे लिखा हुआ है अपन इसी को काम में लेंगे और इसी से लिखेंगे, तो के का लिखा था सीमेन आपके मीटर इनवर्स होता है, और आपका बात करें सी के लिए तो सी के लिए क्या होता है मोल, देखिए भी लिखा है ये वाला मोल मीटर क्यूब, ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल बात करें सीमेन मीटर स्क्वायर, और साथ में बात करें आपका और क्या बच गया आपका, तो ये मोल इनवर्स में है तो ये मोल इनवर्स के रूप में आपका प्राप्त हो जाता है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो मोलर चालकता है लैम्डा है इन दोनों के लिए जो मात्रक है वो आपकी ये वाला सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में क्या होता है आपका आपके प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज अपन ने मोलर चालकता के लिए बात कर ली, अब यहाँ पर अपन इसको किसी विद्युत अपघटित विलयन के लिए बात करें उस पर इस चीज को अपन क्या करते हैं पूरी को लागू करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं
कि भाई किसी विद्युत उपकरण के लिए बात करें कि अगर उसके लिए तुल्यक की भार और उसका अणुभार दोनों ही क्या हो, समान मात्रा में हो, तो आपकी जो तुल्यक की चालकता है और आपकी मोलर चालकता है दोनों ही क्या होगी, समान होगी। क्योंकि अपन ने अभी क्या कहा कि भी अपना कोई विद्युत अपघटक अपने पास विलयन है। अब इसके लिए अपन ने क्या कह दिया कि इसका एक तो अणुभार और दूसरा इसका तुल्यांकी भार। अणुभार हुआ तुल्यांकी भार क्या है आपकी, समान है। ठीक है, तो दोनों के लिए समान है तो यहां पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी समान होगी। तो यहां पर आपकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता समान कब होती है, जब आपका अणुभार और तुल्यांकी भार किसी विद्युत अपघट्य में क्या हो जाता है, समान मात्रा में हो जाता है। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी क्या हो जाती है, यहाँ पर समान है वो हो जाती है। इसके अलावा बात करें अगर ये दोनों ही आपके चेंजेबल हो कि अणुभार भी अलग हो तुल्यांकी भार भी अलग हो, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य के लिए इन दोनों की मात्रा अगर असमान है तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये दोनों ही एक दूसरे से क्या होंगी, भिन्न रूप में प्राप्त होगी, मतलब दोनों ही अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर दोनों ही चालकताएं अलग होती हैं तो यहाँ पर इनके बीच में एक संबंध दिखाया जाता है जिसको है आपके तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए संबंध किस तरह से होगा, तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या है, अलग अलग है। तो अब देखिए ये संबंध किस तरह से देखने को मिलेगा कि ये क्या होगा लैम्डा एम। अब यहाँ पर आपका जो संबंध है वो यहाँ पर इस रूप में देखने को मिलेगा, या फिर अपन इसको इस तरफ लें तो यहाँ पर इसको लैम्डा लिख के ये होगी आपकी तुल्यांकी चालकता लैम्डा और ये आपकी होगी मोलर चालकता। तो ये क्या देखने को मिलता है, आपके संबंध है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताएं हैं वो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां पर अपन बात करें कि भी यहाँ पर जो जेड लिखा है क्या है कि जो नहीं है ये आपका क्या है जेड है, तो यहाँ पर जो जेड है वो दरअसल आपके एक मोल विद्युत अपघट्य के वियोजन में जो मुक्त हुए धनायन है उसके आवेशों की क्या है संख्या है, या कहते हैं आवेशों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भी जेड है वो एक मोल विद्युत अपघट्य के वियोजन में जो मुक्त हुए धनायन है उसके आवेश की संख्या है। तो यहाँ पर सीधा लिख दें और कौन से है धनावेश आवेशों की क्या है आपकी संख्या है, कि अपने एक मोल वियोजन है वो यहाँ पर इसके द्वारा किया था। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इसमें अपन ने एक्सप्लेन की, इसके मात्रक देखिए कि जो मात्रक है वो अपन ने किस तरह से निकाला, तो मोलर चालकता के लिए सीमें मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और फिर अपन ने इसमें अपन ने क्या कहा कि भी इसके आधार पर क्या किया अपन ने इसका जो मात्रक निकाला। अब के लिए बात करें तो के का होता है सीमें मीटर माइनस वन, यहां पर बात करें मोल मीटर क्यूब माइनस क्यूब है वो इसमें प्राप्त होता है और उसके आधार पर अपन ने अपना इसके लिए मात्रक निकाल दिया। तो सीमें मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या कहते मोल माइनस वन या प्रति मोल, तो वहां पर ये मान है आपको इसमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मोलर चालकता है उसको अपन ने क्या कर दिया कि भाई ये जो आपके जो पदार्थ है ये किसी विलयन है उसकी तुल्यांकी चालकता को क्या कहेंगे अच्छे से क्या कर देता है,
मोलर चालकता है उसका एक्सप्लेनेशन कर देता है। तो यहाँ पर अपन बात करें मोलर चालकता है वो तुल्यांकी चालकता से अच्छा जो मान्य हो देखने को मिलता है। साथ में अगर अपन किसी वेक्टर सबवेक्टर विलयन के लिए बात करें कि ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि आपका अनुभार और प्लस तुल्यांकी भार अगर समान मात्रा में है तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये भी क्या हो जाती है, समान मात्रा में हो जाती है। अगर ये अपन बात करें अनुभार और तुल्यांकी भार अलग अलग है तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये क्या होगी, अलग अलग होगी और उनमें ये जो संबंध है वो देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके मोलर चालकता से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।